जनपद संभल के चंदोसी के एक निजी अस्पताल में मरम्मत के दौरान एसी का कंप्रेसर फटा, दो लोग झुलसे। हम आपको बता दें कि चंदोसी नगर के गौशाला रोड पर डॉक्टर विदुषी नर्सिंग होम में मरम्मत के दौरान एसी का कंप्रेसर फटने से मिस्त्री समेत दो लोग झुलस गए। दमकल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति पर काबू पाया। घायलों को गंभीर हालत में मुरादाबाद रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नर्सिंग होम में फर्स्ट फ्लोर पर स्थित खाली पड़े वार्ड में खराब एसी को ठीक करने के लिए मिस्त्री आया था। मिस्त्री ने अस्पताल के ही एक कर्मचारी के साथ एसी का कंप्रेसर चेक कर रहा था, उसी समय अचानक धमाके के साथ कंप्रेसर फट गया, जिससे मिस्त्री और कर्मचारी दोनों बुरी तरीके से झुलस गए। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। CFO प्रताप सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति पर काबू पाया। नुकसान का आकलन लगाया जा रहा है। उसमें जाके देखा तो उसको ए सी आग लगने का तत्काल आपको बिठाया गया और आग लगने से उनके यहाँ एक उनका कंपाउंडर है शिशुपाल और एक इनका जो ए सी का काम कर रहा था कर्मचारी अभिनंदन वो घायल हो गए हैं। और शिशुपाल के चेहरे पे जो है जलने की निशान थी और उसके जो है थोड़ी सी सत्यापन इंस्ट्रूमेंट देगी और दोनों को जो है इलाज के लिए अस्पताल में भर्ज हो गया। हमारी टीम से बहुत तेजी से आके सर कितने लोग दो लोग आए सर, कितने का नुकसान हुआ होगा? अब नुकसान तो डॉक्टर साहब बता पाएंगे, मेरे हिसाब से खाली ए सी का ही नुकसान हुआ जिनका ए सी का और वो भी ठीक करते समय या तो मतलब आग से फटा है और ए सी का कंप्रेसर फट गया है, इसके फटने से दो लोग घायल हुए हैं। एक उनका हॉस्पिटल कंपाउंडर शिशुपाल था और दूसरा जो उनका मिस्त्री काम कर रहा है बाहर से धर्मेंद्र था उसके चोट है। सर वो बताया फरार बताया जा रहा है जिस तरह से आग लगी थी उसके बाद में कौन भाग गया?